चीन और पाकिस्तान ने मिल करके भारत के ऊपर हमला कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट्स भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा से भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी हवाई जत्थे को देख पूरी दुनिया को अब ऐसा लगने लगा है कि भारत नहीं बचेगा। तभी अचानक से आसमान में मंडरा रहे सभी चीनी और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स किसी पतंग की तरह जमीन पर आके गिरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके जितने भी फाइटर जेट्स है वो सब जमीन में आके भारत की मिट्टी में मिल जाते हैं और पूरा वायुसेना खाक हो जाता है। अगर आप कभी ऐसी कोई न्यूज सुनते हैं तो समझ जाइए भारत ने इस्तेमाल किया है काली। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी, स्वागत करता हूं आपका इंडिया टॉक्स पे। पिछले कई वीडियो से लगातार मुझे काली 1000 वेपन के ऊपर वीडियो बनाने के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं काली क्या है इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊं और काली की ताकत आपको दिखाऊं। काली का फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इजेक्टर। काली असल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर है जो कि भारत में DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया जा रहा है। इसे पहले तो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इसके डेवलपमेंट के समय ही DRDO को ऐसा लगा कि इसका बहुत बड़ा मिलिट्री एप्लीकेशन हो सकता है और इसे एक हथियार बनाया जा सकता है। अब अगर आपको सिंपल भाषा में समझना हो कि काली क्या हथियार है और ये क्या करता है, तो काली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है और उनको एक सीधी दिशा में एक तरफ भेजता है, यानी एक लीनियर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करके छोड़ देता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के हवा में जाती है और जिस भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ये छुएगी उसे बर्बाद कर देगी। काली की जैसी फोटोज इंटरनेट पे दिखाई जाती है और यूट्यूब वीडियोस में उसे देख के कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये कोई लेजर वेपन है, लेकिन ये लेजर से अलग है। ये किसी तरह का लेजर वेपन नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्टर मशीन है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो भारत ने इसका जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसे पहले ही बड़े अच्छे से एक्सरसाइज कर लिया है, जिसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश कहा जाता है। और इस ऑपरेशन के बाद भारत ने इस काली को अपने बॉर्डर्स के पास बहुत ही अच्छे जगह पे सुरक्षित रख लिया है। और क्योंकि भारत को कभी भी ऐसा युद्ध जैसा कोई हालात झेलना नहीं पड़ा है इसके डेवलपमेंट के बाद, इसीलिए भारत ने इसे पब्लिक में डालना अच्छा नहीं समझा है, यानी इसे सीक्रेटली भारत ने रखा है। और अगर भारत के ऊपर कभी भी कोई हमला होता है तो अचानक से ये भारत की एक छुपी हुई शक्ति बन के निकल सकता है जो कि एक झटके में पूरे युद्ध के परिणाम को बदल देगा। अब समझते हैं कि इस काली की मदद से हम दुश्मनों पर विजय कैसे पाएंगे। अगर आप किसी वेबसाइट या वीडियो में ऐसा पढ़ते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा हथियार है जो दुश्मन के जो टारगेट्स है उनको बिल्कुल ध्वस्त कर देगा, दुश्मन के टारगेट्स को बर्बाद कर देगा, उनको जला के खाक कर देगा, तो ये गलत है। ये मशीन इस तरीके से काम नहीं करता है। काली से अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है और मान लीजिए किसी फाइटर जेट से जाके टकराता है, तो उस फाइटर जेट का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो सब काम करना बंद कर देगा और जो फाइटर जेट का कंट्रोल है वो एक ही बार में ठप हो जाएगा। फाइटर पायलट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो सीधे जाके जमीन पे गिर जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा। सेम इसी तरह अगर इसे हम किसी ड्रोन पे भी मारते हैं तो यही असर दिखेगा। अगर इसके मदद से हम किसी मिसाइल पे भी हमला करते हैं, मान लीजिए कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रहा है जो कि GPS गाइडेड है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और अगर हम इसके मदद से उस पे भी वार करते हैं तो उसे भी हम उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसे खराब कर सकते हैं, जिसके बाद वो जो मिसाइल है उसे कहाँ जाना है उसे मालूम नहीं चलेगा क्योंकि उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाएगा और वो किसी और जगह पे जाके गिर सकता है। अगर हम इस काली हथियार को अपने फाइटर जेट्स में लगा लें और इसे लेकर के अपने दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुस जाएं और इसकी मदद से अगर हम जितने भी वहाँ के एयरफोर्स स्टेशंस हैं, वहाँ के जितने भी बड़े मिलिट्री बेसेस हैं और जितने बड़े बड़े रडर्स जहाँ जहाँ लगे हैं उन सारे लोकेलिटीज़ में और सारे बेसिस में जा करके अगर काली से हमला कर दें तो एक ही बार में उस देश की मिलिट्री का जितना भी उपकरण है वो काम करना बंद कर देगा। वहाँ के जितने रडार स्टेशन से वो सारे ठप पड़ जाएंगे, उनको मालूम नहीं चलेगा कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट कहाँ से आ रहे हैं। उनके जितने मिसाइल स्टेशन से जहाँ मिसाइल स्टोर किया जाता है अगर वहाँ पे हमने हमला कर दिया तो उसके बाद वो एक भी मिसाइल को उड़ा नहीं पाएंगे, यानी सारे मिसाइल रखे के रखे रह जाएंगे। दोस्तों आज की डेट में दुनिया बदल चुकी है और युद्ध के हथियार भी बदल चुके हैं। अब कोई भी चीज़ मैकेनिकल नहीं रह गया, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ चुके हैं और हर चीज़ इलेक्ट्रिकली ही चलता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऑपरेट करने के बगैर यानी मैकेनिकली हम किसी चीज़ को नहीं चला सकते हैं, खास करके जो हाईली सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इसी बात का फायदा उठाता है काली, क्योंकि जितने भी हथियार हैं उन सब को एक ही बार में ये नाकाम कर सकता है क्योंकि उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनको ये खराब कर सकता है। काली हथियार के रूप में एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही घातक वेपन साबित हो सकता है। बस दिक्कत ये है कि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, इसीलिए इसको किसी एयरक्राफ्ट में कैरी कर पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत हाई पावर लगता है। अगर हम किसी तरीके से काली को इतना छोटा कर पाएं कि ये फाइटर जेट्स और ड्रोन्स में फिट हो सके और इसे इस तरीके से बना पाएं कि इसका जो पावर का ज़रूरत है वो फाइटर जेट्स और ड्रोन ही प्रोवाइड कर दें, यानी ड्रोन्स और फाइटर जेट्स के पावर से ही ये ऑपरेट हो सके, तो यकीन मानिए काली इस सदी का एक बहुत ही घातक और बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित हो सकता है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक एक्सेलरेटर है और इसका जो पावर है उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सबसे पहला जो काली बना था वो काली 80 था, उसके बाद धीरे धीरे इसके पावर को और बढ़ाते चले गए और इसे काली 200, काली 1000, काली 5000 और अब काली 10000 तक उन्होंने पहुंचा दिया है। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो अलग है वो है काली 1000, क्योंकि इसी मशीन को इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश में। काली 1000 को IL-76 एयरक्राफ्ट के अंदर रख करके सियाचिन के ऊपर ले जाया गया था और वहाँ पे जाकर के जो पाकिस्तान की साइड है पहाड़ियों की, वहाँ पर इसके मदद से एक इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ा गया था जिसके वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ कि वहाँ पे एक लैंडस्लाइड क्रिएट हो गया और उसके नीचे जितने भी पाकिस्तानी बंकर्स थे वो सारे तबाह हो गए। तो इससे आप काली की ताकत समझ सकते हैं। हालांकि वहाँ पे काली ने कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं किया था, यानी सीधे जाकर के किसी सैनिक को या बेस को नहीं उड़ाया था। ये जो गया था इसके जो हीट प्रोड्यूस हुआ था उसके वजह से उस एरिया में लैंडस्लाइड आ गया था। पर आप ही सोचिए कि हम इसी सेम चीज़ को किसी ज़मीनी इलाके में नहीं रेप्लिकेट कर सकते हैं, कि अगर यही चीज़ को हम चाहें तो पंजाब या जम्मू और कश्मीर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन में थोड़ी ना ये कोई भूकंप ले आएगा। तो इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे हो इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और अभी तक जो सबसे बेहतर तरीका दिख रहा है वो यही है कि इसके साइज़ को किस तरीके से छोटा करके इसको ड्रोन्स और फाइटर जेट्स में लगा दिया जाए, जिसके बाद ये दुश्मन के टेरिटरी में घुस करके दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और दुश्मन के जो बड़े बड़े बेसेस है वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उन सबको ख़राब कर दे, जिसके बाद हम अपने ऑपरेशंस को और भी अच्छे से अंजाम दे पाएँ। तो दोस्तों, अगर काली के ऊपर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, और अगर आप इंडियन आर्मी से जुड़े हुए टी शर्ट्स या स्वेटशर्ट्स पहनने के शौकीन हैं तो हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे जा करके आप हमारे डिज़ाइंस देख सकते हैं। बलिदान का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे ही वीडियोज़ लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।